सेम ऐसे ही बहुत बार कर चुके हैं वो वाला, टेन स्टार्ट कर रहे हैं, 22 इक्वल टू 30, एक बार इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, तो यू है आपका एक्स पावर एक्स कोस ऑफ एक्स, ठीक है। लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, लॉग ऑफ यू इज इक्वल टू पावर आगे ये पावर और लॉग ऑफ दिस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तीन फंक्शन बन गए 1 2 3, तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं हम, किन्हीं दो को सेम रखो थर्ड का करते जाओ, फिर किन्हीं दो को सेम रखो थर्ड का करते जाओ, ऐसे करना है देखो, 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू cos x log x, मैंने एज इट इज रख लिया ये फंक्शन, इसका कर दिया x का क्या होगा, इस पर को 1 प्लस में अब x को cos x एज इट इज रख लो और log x का कर दो, log x का क्या बनेगा 1/x, प्लस में अब कौन सा रह गया भाई, x और log x को छोड़ दो एज इट इज और cos x का कर दो, क्या होता है माइनस साइन x, तो ये बना आपका du अपॉन dx u ऊपर और u की वैल्यू क्या है x, ये वन, तो अंदर देखो क्या बचा cos x log x, ये कैंसिल है यहाँ पर प्लस में cos x और ये प्लस माइनस माइनस sin x इनटू में x log of x, ठीक है। तो ये du अपॉन dx आ गया, v है ये तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन रूल लग रहा है इसमें डायरेक्ट, dv अपॉन dx इज इक्वल टू v का स्क्वायर v एज इट इज d बाय dx ऑफ दिस क्या है 2x माइनस में x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज और इसका भी क्या बनेगा 2x ही बनेगा, तो इसको सिंपलीफाई कर दो यहां से, ये बन गया आपका 2x क्यूब माइनस 2x और ये बना यहां से माइनस ऑफ 2x क्यूब और माइनस ऑफ 2x और डिवाइड में एज इट इज, तो ये कैंसिल, ये बचा आपके पास माइनस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये dv अपॉन dx का है, du अपॉन dx भी हमने फाइंड आउट कर दिया, दोनों को ऐड कर दो, दैट विल बी द फाइनल आंसर। नंबर 12 देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आप अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, x पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू 1, ये गिवन है यहाँ पर, तो वही एडिशन हो रहा है दो फंक्शन का और फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो वो u v मानना है इसको, इसको u मान लिया हमने, इसको v मान लिया, ठीक है। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस में डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करके दिखाना है, तो u इज इक्वल टू है आपके पास x की पावर y, लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड, लॉग ऑफ u हो गया ये, y आगे आ जाएगा लॉग ऑफ x, ठीक है, लॉग अप्लाई करेंगे तो y आगे लॉग ऑफ x, इधर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से ये बना, इधर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस में सेकेंड एज इट इज और y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये बन गया यहाँ से, और हमें क्या फाइंड आउट करना है डी यू अपॉन डी एक्स, तो यू को ऊपर भेज दो, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू, यानी कि क्या वैल्यू है यू की एक्स पावर में वाई, तो अंदर क्या आ गया आपके पास वाई बाई एक्स प्लस में लॉग एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज योर डी यू अपॉन डी एक्स, आप क्या निकालना है डी वी अपॉन डी एक्स, तो वी की वैल्यू है वाई पावर एक्स, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे डी वी अपॉन में डी एक्स, तो लॉग अप्लाई करोगे लॉग ऑफ v इज इक्वल टू एक्स आगे एंड लॉग ऑफ y, ये बना यहाँ पर, तो ये बन गया लॉग v का 1 बाय v और v का क्या बन जाएगा डी वी बाय डी एक्स, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल ही लग रहा है, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लॉग y का 1 अपॉन y और y का क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x डी वी आई अपॉन डी एक्स प्लस में लॉग y एज इट इज और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 बना, ठीक है। तो ये बना आपके पास x अपॉन y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में लॉग ऑफ y v ऊपर आएगा या मल्टीप्लाई में v की वैल्यू क्या है y पावर में x, तो ये बन गया आपका डी वी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब डी वी अपॉन डी एक्स भी पता है, डी यू अपॉन डी एक्स भी पता है, इक्वल टू में पुट करना है ये, तो विद रिस्पेक्ट टू x 0 ही हो जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करके दिखाना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए वो सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या बन गया एक्स वाई की पावर माइनस वन
एक्स ऊपर आएगा माइनस वन, ये बना वाई प्लस में एक्स वाई लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर से सिंप्लीफाई करते हैं तो बन रहा है वाई की पावर एक्स माइनस वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस में वाई एक्स लॉग वाई। तो दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पुट करना है ना हमें, तो दोनों को ऐड करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स है आपका एक्स वाई माइनस वन वाई प्लस में एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में एक्स इज डी वी अपॉन डी एक्स, तो पुट कर रहे हैं यहाँ पर वाई एक्स माइनस वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में वाई एक्स लॉग ऑफ वाई, ठीक है। और इक्वल टू में क्या चल रहा है, जीरो, क्योंकि वन था ना इक्वल टू में, तो आप डेरिवेटिव करोगे वन का तो क्या बन जाएगा जीरो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल दो यहाँ से, जो बचा उसको राइट हैंड भेज देंगे, तो ये कॉमन तो यहाँ से बचा एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स और प्लस में वाई की पावर एक्स माइनस वन एक्स, ये बचा तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी उनको लेफ्ट राइट में भेज दो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये बना एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू में वाई और इधर से ये भी पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव, तो ये बना वाई एक्स लॉग ऑफ वाई, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भेज देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और यही हम इसमें फाइंड आउट करके दिखाना था, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, दिस इज योर डी वाई अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 30, वही डी वाई अपॉन डी एक्स ही फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको क्या गिवन है, देखो y पावर x इक्वल टू x पावर y, ये गिवन है, तो लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड, फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो ये बना लॉग ऑफ y पावर x इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर y, तो x आ गई x log y इक्वल टू y log x, ये बना। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और इधर भी, तो फर्स्ट एज इट इज log y का क्या बनेगा 1 upon y, और y का क्या बना विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx प्लस में log y एज इट इज और x का 1 हो गया इक्वल टू में, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा y एज इट इज log x का क्या बना 1 by x प्लस में log x एज इट इज और y का क्या बना dy upon में dx, तो dy upon dx कॉमन निकालो, दिस इंप्लाइज dy upon dx, ये बना यहां से x upon y और ये प्लस लॉग एक्स इधर आकर माइनस लॉग एक्स, ये तो बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एक्स्ट्रा इधर निकाल दो, यहाँ पर वाई अपॉन एक्स बचा हुआ है और ये प्लस लॉग वाई इधर आकर माइनस लॉग वाई, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या कर देना है इसके डिवाइड में आ जाएगा, आपको फाइनली ये करके दिखाना है, तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो अप्लाई करो लॉग बोथ साइड, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स पावर वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस वाई पावर में एक्स, तो वाई आगे वाई लॉग ऑफ कॉस एक्स बन गया और यहाँ से एक्स आगे एक्स लॉग ऑफ कॉस वाई बन गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों जगह प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन ये एक ही है एक फंक्शन ये दूसरा ये, तो फर्स्ट एज इट इज यानी वाई एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ लॉग कोस एक्स क्या बनेगा 1 बाय कोस एक्स हो गया एंड डी वाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, ठीक है। इस स्टेप बहुत बार कर चुके हैं, लॉग एक्स होता है 1 बाय एक्स और फिर डी वाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस में लॉग कोस ऑफ एक्स एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगा रहे ना, अब ये एज इट इज रहेगा y का क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में भी प्रोडक्ट रूल x एज इट इज ये क्या बना log का 1 बाई cos y एंड d बाई डी एक्स ऑफ cos y प्लस में log cos ऑफ y एज इट इज और x का क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये बना y इंटू में 1 बाई cos x, ये क्या बनेगा cos x का माइनस साइन x प्लस में एज इट इज log cos x dy upon dx is equal to x by cos y हो गई और ये क्या बना
माइनस साइन वाई और प्लस में लॉग कॉस ऑफ वाई एज इट इज। ठीक है, इधर भी कुछ कमी रहेगी क्या, वाई का बचता है भाई यहाँ पर, वाई का क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा, तो ये भी आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, इसका किया था हमने लॉग कॉस वाई का वन अपॉन कॉस वाई, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, और वाई का क्या बना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे पुट करो इसको भी, इधर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस में एज इट इज। ठीक है, आप डी वाई अपॉन डी एक्स वाले हम कंबाइन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स में कॉमन निकाल रहा हूँ, तो इधर से तो है लॉग ऑफ कॉस एक्स और ये इधर से माइनस है ना, इधर आकर प्लस हो जाएगा, साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेंजेंट वाई और माइनस इधर आकर प्लस, यानी कि एक्स टेंजेंट वाई, ये डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ हो गया, जो बचा वो उधर, लॉग कॉस वाई तो इधर है ही, और ये क्या देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस टेंजेंट वाई और माइनस टेंजेंट एक्स, तो इधर आकर प्लस हो गया y tangent of x। अब ये मल्टीप्लाई में उधर भेज दो, यानी कि dy upon dx is equal to क्या आ जाएगा यहाँ से log cos y प्लस में y tangent x, और ये मल्टीप्लाई इधर आकर पूरे का पूरा डिवाइड में log cos of x प्लस में x tangent of y। तो ये करना था इस क्वेश्चन के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 15 क्वेश्चन, xy is equal to e power में x minus y है, वही dy upon dx निकाल कर दिखाना है इसमें भी, तो दो फंक्शन है इधर मल्टीप्लाई में और इधर पावर में, लॉग तो अप्लाई करेंगे, जब इधर लॉग अप्लाई करोगे लॉग m n यानी कि लॉग m प्लस में लॉग है और उन्हें लग गया इधर से, और इधर से लॉग ही कितना होता है अपन, तो क्या बचा x minus 1 y बचा, लॉग ही 1 होता है। ठीक, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, log x का तो हो गया 1 by x, log y का 1 upon y, और y का क्या बनेगा dy upon dx, x का वो 1 और y का अगेन dy upon dx, तो यहीं से dy upon dx करोगे कंबाइन, इधर तो बचा हुआ 1 by y, ये माइनस इधर आकर प्लस बनेगा तो प्लस में 1, और इधर 1 ये इधर आकर माइनस हो गया, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो, y एलसीएम लिया तो ये बना 1 प्लस वाई, और इधर से x एलसीएम लिया तो ये बना x माइनस वाई, अब ये मल्टीप्लाई उठा कर डिवाइड में भेज दो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो गया x माइनस 1 अपॉन x, ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होएगा तो ये बन गया आपका y अपॉन में 1 प्लस वाई, और फाइनली हमें क्या करके दिखाना था इसमें dy by dx फाइंड आउट करना था, तो दिस इज योर dy अपॉन dx। क्वेश्चन नंबर 16, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x पावर 4 एंड 1 प्लस x पावर 8, ये मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड f डैश ऑफ 1, मतलब f डैश x निकालने के बाद x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं, तो f डैश x निकालोगे पहले क्या बनेगा इसका, लोग अप्लाई करो log of fx is equal to, जब भी इतने सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में तो log अप्लाई करते हैं ताकि log mn की प्रॉपर्टी लग जाए, सारे प्लस में आ जाएंगे ना, ये बन जाएगा log of 1 plus x प्लस में log of 1 plus x square प्लस में log of 1 plus x power 4 प्लस में log of 1 plus x power 8, ये बन गया यहाँ से। ठीक है, तो इसका करोगे log x का क्या हो जाएगा 1 by x होता है, और एफ एक्स का क्या बन जाएगा एफ डैश एक्स लिखते हैं ना, एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि एफ डैश एक्स, यहाँ से लॉग ऑफ एक्स ये 1 बाई 1 प्लस एक्स, 1 का तो 0 और एक्स का 1 कुछ नहीं लिखना, यानी कि यहाँ पर क्या बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2 एक्स प्लस में 1 बाई एक्स ये भी, और एक्स की पावर 4 का क्या होता है 4 एक्स क्यूब, यहाँ से 1 बाई 1 प्लस एक्स 8, और x की 8 का क्या बनेगा 8 x की पावर 7। ठीक है, इसको ऊपर भेज दो, यानी f डैश x इज इक्वल टू f x, ऊपर आया और f x की वैल्यू क्या है पूरी साथ के साथ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x की पावर 4 1 प्लस x की पावर 8। ठीक है, ये f x ऊपर से गया ना, f x की वैल्यू पुट कर दी और ये एज इट इज
वन प्लस एक्स प्लस में टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स फोर और प्लस में एट एक्स सेवन डिवाइड में वन प्लस एक्स बार एट। दिस इज योर एफ डैश एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एफ डैश वन फाइंड आउट करना है, मतलब जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर वन पुट करके उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आगे ये काम आप कर सकते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, डी पर मूव करते हैं। देखिए क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तीन तरीकों से। पहले तो प्रोडक्ट रूल लगाना है इसके ऊपर, फिर एक्सपेंड द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलीनोमियल। पहले प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना है, सिंपलीफाई करना है, देन डेरिवेटिव करना है, और थर्ड में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है, मतलब लॉग वाला अप्लाई करके फिर करना है। और फिर बोला क्या, तीनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। हाँ जी, सेम ही आना चाहिए आंसर, तो डेरिवेटिव हो रहा है सेम ही आना चाहिए, ठीक है। ट्राई करते हैं पहले प्रोडक्ट रूल से। तो दो फंक्शन है, तो यहाँ से फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस में नाइन, ठीक है। फर्स्ट ये बना, फिर प्लस में एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में सेवन बनाई और प्लस में एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, यहाँ तक एज इट इज। और इसको सॉल्व करोगे, डिफ्रेंशिएट किया टू एक्स माइनस में फाइव, ये बना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे आप अंदर, ये बना थ्री एक्स की पावर फोर, पहले एक्स स्क्वायर से हो रही है प्लस सेवन एक्स स्क्वायर, फिर इससे होगी माइनस 15x क्यूब और माइनस में 35x। अब 8 से करेंगे तो 24x स्क्वायर प्लस में 56x क्यूब, बीच से करोगे तो 2x की पावर 4 हो गया माइनस में 5x क्यूब प्लस में 7 से करेंगे तो 14x स्क्वायर माइनस में 35x, ठीक है। 7x से बीच की, अब 9 से करेंगे तो 18x और माइनस में 9 5 45, ये बन गया यहाँ से। अब सिंप्लीफाई करो, पावर फोर वाले दो ही है इसके अंदर, थ्री और टू यानी फाइव एक्स की पावर फोर हो गया। टू वाले चेक करो, 24 7 31 और टू वाला इधर भी है, तीन ही है ना, एक दो और तीन, तो सेवन और 24 31 तो ये बन गया और 14 ही है यानी कि 45 प्लस में 45x स्क्वायर। अब क्यूब वाले, पहले तो क्यूब वाले लिखने चाहिए थे इनफैक्ट, और क्यूब वाले दो ही है तो यहाँ लिख दो पहले, 45 तो बाद में आएगा, माइनस 20x क्यूब प्लस 45x, ये दो ही है ना, एक्स स्क्वायर वाला कोई और बचा नहीं बचा। अब आ जाओ एक्स के ऊपर, इधर से माइनस 35x और इधर से माइनस 35x और एक ये भी है माइनस 70 प्लस में 80 कितना बचा 52 माइनस का 52x और 56 माइनस 45 ये तो ये यानी कि प्लस में 11 ये बच गया, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मेथड, फॉर सम वीडियो टू नोट इट डाउन। फर्स्ट पार्ट वाला आंसर यहां लिख दिया हमने, सेकंड में क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना प्रोडक्ट को, सिंगल पॉलीनोमियल करने के बाद डिफरेंशिएट करना। पहले मल्टीप्लाई करो अंदर, एक्स स्क्वायर की पूरे से करोगे क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 5 बेस सेम पावर है, ठीक है। फिर इससे करेंगे तो 7x क्यूब हो गया प्लस में 9x स्क्वायर, अब इससे करेंगे तो माइनस 5x क्यूब तो ये है ही तो एक्स की पावर 4 बन गया, इसी करेंगे माइनस 35x स्क्वायर, फिर इससे करेंगे तो माइनस 45x, ठीक है। इस टाइप से सिंप्लीफाई करना है। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x क्यूब प्लस में 56x प्लस में 72, इसको कलेक्ट करके लाइक सम कलेक्ट करके एक सिंगल पॉलीनोमियल बना लो, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। x पावर 5 एज इट इज, अब पावर 3 वाले चेक करो यहाँ पर कितने हैं, एक तो ये 7x क्यूब और कौन सा है यहाँ पर, एक ये, तो 8 और 7 15x क्यूब हो गए,
ठीक है, पावर फोर वाला भी है पहले, तो पहले पावर फोर और सिंगल ही है ये वन। अब क्यूब वाले आ जाओ, 15x³ बन गया। अब स्क्वायर पर आ जाओ, इधर है 9, यहाँ से है 35, तो कितना बचा, -26x², ठीक है। क्यूब वाला हो गया ना, क्यूब वाला एक तो ये था और एक ये, ठीक है, स्क्वायर वाला भी हो गया। अब इनके ऊपर आ जाओ, कितना बचा, प्लस में 11x और प्लस में 72, तो करो इसका डिफ्रेंशिएट आप करना, आपको डी बाई डी एक्स पूरे का, तो ये बना 5x⁴ माइनस 4 आगे 20x³, ये आगे 45x माइनस में ये आगे 52x प्लस में 11, तो ये बना, तो यहाँ से सेम है, ठीक है, ये बना यहाँ से स्क्वायर आ रहा है और एक कम होगी ना, ठीक है, तो सेकंड पार्ट से भी सेम आ रहा है। अब थर्ड पार्ट में मूव करते हैं कि लॉग अप्लाई करना है, इनको लॉग अप्लाई करना है, तो y इक्वल मान लिया मैंने लॉग अप्लाई करने के बाद कि y इक्वल टू दिस है, और लॉग अप्लाई करके लॉग y बन गया, यहां से इधर से लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग m प्लस लॉग n बन जाएगा, यानी कि लॉग ऑफ n प्लस में लॉग ऑफ n। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या बनाया यहां से 1/y dy / dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 1/x क्रॉस में जाएगा तो y की वैल्यू है ये +8x³ + 7x + 9 और इनटू में देखो क्या आ गया यहाँ से 2x - 5 / x² - 5x + 8 और प्लस में 3x² + 7 / x³ + 7x + 9, ठीक है। अब इसको हमें सिंपलीफाई करना है, पहले इसके साथ और फिर उसके साथ करेंगे, तो देखो यहाँ से जब इन दोनों को उठा रहे हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा इधर से x³ + 7x + 9 मल्टीप्लाई बाय 2x - 5, ठीक है। आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये इसके साथ बचा आपके पास, यानी कि x² + 5x + 8 और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 3x² + 7, ठीक है, उसके बाद चेक करना वो बन रहा है या नहीं बन रहा, तो करते हैं इसको। क्या बना देखो यहाँ से, पहले इन दोनों ही करनी है, तो ये बन रहा है आपका 2x⁴ माइनस में 5x³ + 14x² - 35x, अब 9 से करेंगे तो 18x - 45, इन दोनों की तो ये बनती है। अब इन दोनों की लिख रहा हूँ मैं प्लस में 3x⁴ प्लस में 7x² - 15x³ - 35x प्लस में 24x² + 56, ये तो फर्स्ट टाइप की थी ना, कुछ कुछ वैसे ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ से पावर फोर वाले चेक करो कितने बन गए, 2x⁴ 3x⁴ यानी 5x⁴ तो आ गया यहाँ से। क्यूब वाला चेक करो, -5x³ और कहीं क्यूब ये रख -20x³, ठीक है। फिर स्क्वायर पर आ जाओ, स्क्वायर का एक तो ये रख 14 और 7, यानी 21 हो गया और इधर से ये, यानी कि 45x², ठीक है। फिर x वाले पर आओ, दो तो ये है x वाले और एक ये है, तो ये -70 प्लस में 18 यानी -52x बना, ठीक है। अब आ जाओ कॉन्स्टेंट टर्म पर, -45 प्लस ही यानी +11, तो चेक करो क्या सेम है, 5x² - 20x³ + 45x² - 52x + 11, तो यस तीनों मेथड से डेरिवेटिव जो है सेम ही आ रहा है। दिस इज योर क्वेश्चन, ओवर जो भी नोट इट डाउन। यस लास्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का, इसको आपको दो तरीके से करना है,
एक तो प्रोडक्ट रूल से करना है, रिपीटेड प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहाँ पर, तीन यू वी और डब्ल्यू। इफ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स, तो शो करना आपको ये, एक तो ये तरीका करना प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, यही बोला गया स्टेटमेंट में, हाँ ठीक है। और सेकंड जो है वो आपको यहाँ पर है डब्ल्यू वी, यू वी एंड डब्ल्यू, तीन फंक्शन एक्स के, तो ये करना है बाय प्रोडक्ट रूल, और सेकंड में लॉग अप्लाई करके करना है। तो फर्स्ट का तो मैं हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है, सेकंड करके दिखा देता हूँ। सेकंड वाला वैसे तो दोनों ईजी है, वाई इज इक्वल टू, देखो यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू फंक्शन है एक्स के, तो क्या कर सकते हो आप, यू बाहर और वी डब्ल्यू एडिटिस, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है आपको कि ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, मतलब फर्स्ट एडिटिस डेरिवेटिव और सेकंड, और इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो एक बार और प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्लस में ये एडिटिस और डेरिवेटिव ऑफ दिस, समझ रहे हो ना, मतलब फर्स्ट एडिटिस डेरिवेटिव ऑफ वी डब्ल्यू प्लस में सेकेंड एडिटिस एंड डेरिवेटिव ऑफ यू, ठीक है ये बना। इसका क्या करोगे, यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, यही बना ना, फर्स्ट एडिटिस सेकंड इस डेरिवेटिव कर दिया प्लस ये एडिटिस और दिस, तो यू ऐसे कैसे, यहाँ पर वी एडिटिस डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू प्लस में डब्ल्यू एडिटिस और डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस में वी डब्ल्यू तो एडिटिस और यू का क्या बन जाएगा डी यू अपॉन डी, ऐसे करना है इसको, यू अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लॉग अप्लाई करके कैसे करना है, y is equal to u v w इस टाइप से गिवन है, तो जब log अप्लाई करेंगे हम तो log of y क्या बन जाएगा, log of u प्लस में log of v प्लस में log of w, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसका करेंगे 1 upon y dy by dx is equal to 1 upon u du by dx हो जाएगा, ठीक है। प्लस में v का कैसे हो जाएगा, 1 upon v डी वी अपॉन डी एक्स और प्लस में वन अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये बन गया भाई यहाँ से, ठीक है। वाई ऊपर भेज दो, यानी कि दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वाई ऊपर आएगा और वाई की वैल्यू क्या है, यू वी डब्ल्यू, यही है, तो अंदर इसके साथ लिखेंगे वन बाई यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस में वन बाय वी डी वी अपॉन डी एक्स और प्लस में वन अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये बन गया यहाँ से, ठीक है। देखिए इसको यहाँ तक कैसे हुआ, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें, चेक करो ये कैसे बन रहा है। आगे करते हैं, आप इसको अलग अलग लिख दो भाई सभी को, मतलब इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये बने आया से U V W, U से U काट दो, ऐसा करो U से U कैंसिल हो गया फर्स्ट में, जब U से U कैंसिल हुआ तो क्या बचा, ये V W D U by D X, ठीक है। सेकंड के साथ कर रहे तो V कैंसिल आउट हो रहा है, यानी U W D V upon D X बचा, और थर्ड में W से W कैंसिल हो रहा है, यानी कि U V और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स बचा, ये बन गया यहाँ से, इस टाइप से कर रहे हो इसको, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हो आप, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम ही आ रहा है, यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस में यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स और प्लस में वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, तो ये बनना, चेक करो यहाँ से ये बन रहा है, ठीक है यस। तो ये करना था, इसमें बाय प्रोडक्ट रूल हो गई और इधर हमने क्या किया, लॉग अप्लाई किया, तो बाय लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, तो दोनों से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दिस इज एक्सरसाइज 5.5।